स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराढ्यं वंदे शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमं भोजनेत्रं कालांबुद्योज्वलांगं कटितटविलसश्च चारुपीतांबराढ्यं वंदे धन्वंतरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् नमामि धन्वन्तरिमादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके घटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छादिरुद्यं शुक परिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालांबुदोज्वलांगं कटितट
सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को। माधव निदान की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह प्रातःकालीन सत्र जो माधव निदान का है, ये काफी अच्छा सत्र चलता है। माधव निदान एक ऐसा ग्रंथ है जिसे रोग विनिश्चय ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि ये अल्पबुद्धि वैद्यों के लिए लिखा गया ग्रंथ है। तो हम सभी अपने आप को अल्पबुद्धि वैद्य ही मानते हैं। वैद्य अरविंद पाठक जी, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। मैं अभी ज्वर निदान जो है वह शुरू कर देता हूं। तो ज्वर निदान जो है यह हमारा सबसे मेन है, मतलब निदान में सबसे मेन है। तो इसको जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्वर निदान अगर हमने समझ लिया तो हमें और भी डिजीजेस को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं इसलिए ज्वर निदान सबसे पहले शुरू करता हूँ। तो इसमें पहले ऐसे बता रहे हैं कि पहला श्लोक नंबर दूसरा अध्याय का पहला श्लोक नंबर देखिए, उसमें ऐसे बता रहे हैं कि दक्षापमान संक्रुद्ध रुद्र निश्वास संभव ज्वरो अष्टदा पृथक द्वंद संघाता अगंतुज स्मृता। मतलब इतना बढ़िया बताया है कि दक्ष जी ने अपमान किया तो जो शिव जी थे वह क्रोधित हो गए और उनके क्रोध के निश्वास से ज्वर रोग की उत्पत्ति हुई, ऐसा पौराणिक कथा है। ऐसे बताते हैं कि दक्ष प्रजापति जो थे उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने अपने जो जामाता मतलब जवाई थे, दामाद थे, उनको नहीं बुलाया। तो जो सती माता थी वह क्रोध में जाके और यज्ञ में जाके बहुत ज्यादा मतलब क्रोधित हो गई और खुद को भस्म कर लिया। तो इससे न जब शिव जी को पता चला, शिव जी समाधि पे बैठे थे तो उनको जब पता चला तो उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गए और उनकी समाधि भंग हो गई और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से एक शिव गण को उत्पन्न किया जिसका नाम था वीरभद्र, और उसको उत्पन्न करके बोला कि तुम वहां जाके सभी को पनिश करो। तो उन्होंने जाके सबको पनिश किया और सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और उसी क्रोध की अग्नि से ज्वर उत्पन्न हुआ। जो शिव जी ने क्रोध किया उसे ज्वर रोग की उत्पत्ति हुई और ज्वर के साथ में गुल्म रोग, रक्त पित्त आदि भी कई रोग उत्पन्न हो गए। तो ये जो ज्वर का विप्रकृष्ट कारण प्रारंभिक कारण है, तो यह विप्रकृष्ट कारण तो मिथ्याहार विहार है और सन्निकृष्ट कारण जो है वह ऐसा मतलब उसकी उत्पत्ति इसी तरह से हुई थी कि रुद्र ने क्रोधित होके ये ज्वर को उत्पन्न किया। और विप्रकृष्ट कारण जो है वह क्रोध है, मतलब शिव जी की क्रोध की अग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको विप्रकृष्ट कारण बोलते हैं। और सन्निकृष्ट कारण जो है मिथ्याहार विहार, जो अभी अगर कोई रोगी मिथ्याहार विहार करते हैं, मेरा यहाँ कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। तो मिथ्याहार विहार करना ही यह सन्निकृष्ट कारण होता है। और ज्वर के 8 भेद होते हैं, वातज पित्तज कफज, वात पित्तज पित्त कफज वात कफज और सन्निपातज और आगंतुज, इस तरह से ज्वर 8 टाइप का होता है। और ज्वर जो है वह सभी रोगों में प्रधान होता है और सबसे बलवान ज्वर व्याधि ही होती है, इसलिए ज्वर का सभी अपने संहिता ग्रंथों में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया है। और ज्वर के बारे में कुछ कुछ और 6-7 चीजें बताई गई हैं कि अन्य रोगों की अपेक्षा सर्वप्रथम जो व्याधि उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ज्वर, सबसे पहले हुआ है। सबसे बलवान व्याधि कौन है, तो ज्वर व्याधि है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों को फीवर आया और फिर वो उन लोगों की मृत्यु हो गई। फिर ज्वर जो है देह इंद्र मन को समान रूप से संतप्त कर देता है, इसीलिए इसको देह भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, इंद्रिय भी रहती है और मन भी इन्वॉल्व रहता है, तो संतप्त कर देता है। दूसरा, जन्म और मरण के समय में यह अवश्य रहता है। अब यह हो सकता है कि जो भी जब भी मृत्यु होती है किसी भी इंसान की तो सबसे ज्यादा उसको कष्ट होता है, सबसे ज्यादा कष्ट होता है, और जब जन्म होता है तब भी कष्ट होता है, तो यह जो भी वेदना होती है वह भी ज्वर ही है। उसी तरह से वृक्ष में, लता में, मिट्टी में, पत्थर और जंगम प्राणी जो पशु पक्षी हैं उन सब में यह ज्वर जरूर ही रहता है। और इसमें इसके समान इतने गुण वाला और भी कोई व्याधि नहीं है जो देह इंद्र मन को एक साथ ही संतप्त कर दे, तो इसीलिए इसको ज्वर व्याधि बोलते हैं।
और मानसिक ज्वर जो है पहले सतयुग आदि में भी विद्यमान थे लेकिन कम थे, लेकिन आज के जमाने में मानसिक जो ज्वर है, मानसिक रोग ज्वर, वह सभी को है। अब इसमें ज्वर है वैचित्य रति ग्लानी, मतलब बहुत में मन में बहुत ज्यादा इरिटेशन होना और थकावट होना, ग्लानी होना, और अरति मतलब बहुत ज्यादा उथल पुथल व्याकुलता होना, यह सब जो है वह ज्वर व्याधि के बारे में बताया है। उसी तरह से अन्य प्राणियों को भी जो ज्वर होता है उसके लिए पालक के तंत्र जो है, जो मतलब एनिमल से रिलेटेड जो ग्रंथ है उसमें ऐसा बताया है कि हाथियों के ज्वर को पाकल कहते हैं, गाय को जो ज्वर होता है उसको ईश्वर नाम का नाम दिया है, मनुष्य में होने वाले ज्वर को ज्वर कहते हैं, बकरी और भेड़ों में होने वाले को प्रलाप बोलते हैं, ऊंट में होने वाले को अलस कहते हैं, भैंसों में होने वाले ज्वर को हरिद्र कहते हैं, और जो मृग को होता है, हिरण को होता है, उसको मृग रोग बोलते हैं, पक्षियों वाले ज्वर को अभिताप कहते हैं, और मछलियों में होने वाले को इंद्रमत कहते हैं, पतंगों में होने वाले को पक्षपात कहते हैं, और व्याल जंतुओं में होने वाले ज्वर को अक्षिक कहते हैं। तो इसीलिए ना इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, और सबसे पहले इसके बारे में ही वर्णन किया जाता है सभी ग्रंथ में। आप चरक देखिए, सुश्रुत देखिए, वाग्भट देखिए, हर ग्रंथ में ज्वर को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है। और इसलिए और दूसरा जो इन्होंने बताया कि रुद्र कोपाग्नि संभूता, रुद्र के क्रोध से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको मेन महान बताया गया है। और चरक संहिता में ऐसा बताया कि क्रोधात पित्तम, क्रोध से पित्त उत्पन्न होता है और उससे ज्वर उत्पन्न होता है। तो और दूसरा बता रहे हैं कि पित्त पित्त जो है वही प्रकोपित हो जाता है शरीर में, किसी ने अभी वहां पे तो विपकृष्ट कारण बताया, लेकिन वाग्भट जी ने और बताया कि उष्मा पित्ताद्रते नास्ति ज्वरो नात्युष्म नात्युष्मणा विना तस्मात पित्त विरुद्धाने तेजत पित्त अधिके अधिकम, मतलब पित्त के बिना उष्मा नहीं होती है और उष्मा ही पित्त का कारण होता है, और ज्वर व्याधि भी है वह उष्मा के बिना नहीं हो सकती है, इसलिए पित्त के विरुद्ध अन्न का तेजत पित्त का आहार विहार का हमें त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो पित्त प्रकोपित होगा तो ज्वर जाएगा ही नहीं। दूसरा चरक संहिता में ऐसा बताया कि कटवम्ल लवणान पाचनान परित्यज्य तरुण ज्वरे पाचकत्वेन तिक्तको रसः पित्तग्नो निर्दिष्टतः, मतलब कटु अम्ल लवण ये सारे द्रव्य जो है ना इसको हमें त्याग देना चाहिए तरुण ज्वर में, और हमें पचाने के लिए ज्वर का आम पचाने के लिए तिक्त रस का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तिक्त रस जो होता है वो पित्तग्न होता है। फिर दूसरा और इन्होंने चरक संहिता में बताया कि लंघनम स्वेदनम कालो युवाकुश तिक्तको रसः पाचनन विपक्वानाम दोषाणाम तरुण ज्वरे, मतलब लंघन स्वेदन काल युवाको तिक्त रस इन सबसे अविपक्व जो दोष हैं उनको हमें पचाने का कोशिश करना चाहिए तरुण ज्वर में, तो इससे यह ज्वर ठीक हो जाता है। और उसके बाद में मुझे और कुछ बताना है, अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषा शुरू करते हैं, थोड़ा संभाषा भी करते जाएंगे, थोड़ा ग्रंथ भी पढ़ते जाएंगे। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ डॉक्टर सरोज देसाई जी आपका स्वागत है, आप कुछ बोलना चाहती हैं ज्वर के बारे में, आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? डॉक्टर सरोज देसाई जी सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम सुन नहीं पा रही हैं। डॉक्टर कंचन जी आप ही शुरू कर दीजिए, आपके पास ज्वर के कैसे पेशेंट आते हैं? जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए ना आपके पास ज्वर के कैसे पेशेंट आते हैं, आप क्या डायग्नोस करते हैं, क्या देखते हैं? सर ज्वर के पेशेंट तो आते हैं रेगुलर बेसिस पे भी, जैसे कि अभी कभी बोलते हैं कि प्रतिशाय हुआ है, ज्वर हुआ है, ऐसे आते हैं। कभी बोलते हैं कि जैसे अंगमर्द हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है और ज्वर स्टार्ट हुआ है, मतलब ऐसे शुरू शुरू में 2-3 दिन हुए होते हैं वैसे भी आते हैं, और बहुत बार ऐसे क्रॉनिक डिसीज वाले भी आते हैं, तो उनकी संप्राप्ति में भी ऐसे लगता है कि हिस्ट्री लेने के बाद कि ज्वर से ही स्टार्ट हुआ है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीज वगैरह है, कैंसर है, इसमें भी ज्वर की संप्राप्ति मिलती है। अगर बहुत बार चिकनगुनिया के पेशेंट आते हैं, मलेरिया भी आते हैं, टाइफाइड के भी आते हैं, जैसे मैं मतलब कॉलेज लाइफ में मुझे लगता था कि ये ज्वर प्रकरण इतना क्यों बड़ा लिखा गया है, ऐसे पढ़ने में ऐसे मतलब पढ़ाने वाले भी अच्छे नहीं थे तो ऐसे बोरिंग लगता था, और अभी जैसे प्रैक्टिस में हूँ और आप सर पढ़ा रहे हो तो ऐसा लगता है कि हर डिसीज के पीछे तो ज्वर ही नहीं है, मतलब उसकी संप्राप्ति ढूंढने जाते हुए तो ऐसा लगता है कि ज्वर की संप्राप्ति मिल जाए मुझे। बहुत बार मिलती भी है बहुत सारे डिसीज उसमें कि
मैं अगर कोई SLE का पेशेंट आता है, आमवाद का पेशेंट आता है और देखती हूँ, तो फिर हर एक के संप्राप्ति में मुझे कहीं तो भी ज्वर की हिस्ट्री मिलती है। कभी कभी किसी को मलेरिया हो चुका होता है, किसी को चिकनगुनिया हो चुका होता है, डेंगू हो चुका होता है, तो ऐसे पेशेंट बहुत सारे आते हैं सर। जी थैंक यू, आपने बताया। ठीक जी, ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर सरोज देसाई जी आप बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम। आप कहाँ, बड़ौदा में प्रैक्टिस करती है ना? नहीं, मैं गांधीनगर में सर। हाँ गांधीनगर में। जी बताइए। ज्वर के तो पेशेंट आते हैं, अभी तो मेन तो चिकनगुनिया चल रहा है, संदिग्ध ज्वर, तो इस वो पेशेंट कब आते हैं सर? पहले एलोपैथी लेके बाद में हमारे पास आते है, तो फिर हम ऐसे उसको थोड़े दिन लंगन कराते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन देने से उसको बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। जो पेशेंट एक महीने से जो परेशान होते हैं उसको भी बाद में भी हम हमारी ज्वर में जो बताया है ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। और सर मेरे घर में भी मेरी बच्ची अभी छोटी है तो भी मैं उसको ज्वर की ट्रीटमेंट हमारे आयुर्वेद ने बताई है ऐसे ही करती हूँ, कभी मैं पैरासीटामोल देती नहीं। और हाँ, हम इस तरह करते हैं ट्रीटमेंट तो पूरा ठीक हो जाता है और बाद में दोबारा भी नहीं होता है। पहले कैसे होता था कि पेशेंट उसको 10-15-20 दिन ज्वर रहता था, लेकिन हमारी जो ट्रीटमेंट से हम करते हैं तो उसमें 3 दिन ज्वर रहता है, फिर इतना अच्छा हो जाता है। और सर 105-106 बच्चों में भी इतना होता है तो भी मैं हमारे घर में तो वो जैसे बताए वैसे ट्रीटमेंट देती हो तो ठीक हो ही जाता है सर जी। और सर पहले क्या है, हम कॉलेज में पढ़ते थे तो ज्वर इतना लंबा चैप्टर है ना तो छोड़ देते थे, पर अब मालूम हुआ कि ज्वर मेन ज्वर ही है, वो हम जानेंगे तो सब कुछ आ जाएगा इसमें। हाँ ये आप ही नहीं सब लोग करते हैं कि ज्वर जो है ऐसे कोई समझ ही नहीं आता कि ज्वर इतना ज्यादा बड़ा बड़ा लंबा लंबा क्यों बताया, और समझ ही नहीं आता, ऐसे लगता है शॉर्ट में बता देते फिर हो जाता, लेकिन तब तक हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, अच्छे से समझाया नहीं जाएगा तब तक ये समझ नहीं आता। और सर कोई भी ज्वर होगा कोई भी प्रकार का, मैंने ये देखा है कि चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, कोई भी ज्वर हो तो हमारे में जैसे बताया है ऐसे ट्रीटमेंट करते हो तो कोई भी ज्वर ऐसे अच्छा हो ही जाता है। आंखें बंद करके ऐसे ही ट्रीटमेंट देना है ऐसे तुम मैं कहती हूँ। हाँ जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, आप लोगों का अनुभव या कुछ पेशेंट। डॉक्टर मंजू जी आप कुछ बताइए, डॉक्टर माधुरी यादव जी। डॉक्टर माधुरी जी, डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? ऐसा संहिता पाठ नहीं होना चाहिए कि केवल मैं पढ़ूं, संस्कृत में पढ़ाऊं और उसके बाद मैं चला जाऊं। आप लोग भी बताइए कुछ अनुभव, आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। सर मेरे पास एक टिपिकल पेशेंट आया था रसगत ज्वर का, मैंने पहले भी बताया था, एक लड़की थी जिसे उसका मेनार्की स्टार्ट हुआ एट द एज ऑफ 12। उसको जब भी पहला पीरियड आया तब उसको एकदम बड़ा ठंड वज के और बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर आया था, और उसका ये ज्वर उसका शांत नहीं हुआ, वो रसगत ही रहा। फिर उसको जो कंप्लेंट थी वो ये कंप्लेंट कि उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे और एकदम ड्राई हुए थे, एकदम निर्जीव करते हैं ना उसमें कुछ कुछ जान नहीं रहती, ऐसे बाल हुए थे। वो बालों के ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आई थी और मैंने जब हिस्ट्री पूछी उनको, पहले कभी उनको ज्वर आया था क्या, तो उन्होंने बोला पहले मीनार्की के वक्त आया था। तो मैंने उस वक्त रसगत ज्वर की जो चिकित्सा थी वो करने के बाद उनके बालों में अच्छे से सुधार आ गया था सर। तो आपने ये कैसे डायग्नोज किया कि ये रक्तगत ज्वर है, क्या सिम्टम थे? सर उनको जो ज्वर था वो ऐसे थोड़ी थोड़ी एकदम ऐसे वो ऐसे क्या कहते उसको थोड़ी देर में आता था या फिर एकदम से थोड़ा थोड़ा रहता था, उनको जैसे गरम गरम लगता था पूरा बदन, इसकी वजह से मैंने ये डायग्नोस किया। उनका जो बदन है वो हमेशा गरम रहता था। ठीक है आप समझ गया, ठीक है। और डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी आप बताइए कृपया,
डॉक्टर अंजना मैम जी आपका स्वागत है, आप बताइए कुछ ज्वर के पेशेंट आप लोगों ने कैसे देखे, आप ज्वर को कैसे समझते हैं, ज्वर व्याधि को अपना कुछ अनुभव बताइए। डॉक्टर रवि कुमार जी आप कुछ बोलेंगे, डॉक्टर विकास कुमार जी, डॉक्टर प्रभात पांडा जी, गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम जी बताइए। सर अब जो चिकित्सा तो सभी लोग हम लोगों ने लगभग की होगी, और जन के पेशेंट तो इस समय से कॉमनली आने मिल गए, आ रहे हैं पेशेंट बहुत ज्यादा, और क्योंकि जब इस समय चाहे हम लोग जनरली लोग कहते हैं कि नहीं वो सीजन चेंज हो रहा है वायरस जल्दी, हम लोग जानते हैं कि इस तरह से तो ऋतु संधिकाल चल रहा है, या फिर एक शास्त्रों में स्पेसिफिक वर्णन भी आया है कि कार्तिक के 7 दिन और अघन के 7 दिन जो ये दोनों जुड़ते हैं तो ये यम दशा कहलाते हैं, तो ये जो समय है इस समय को बहुत ही हमारे आयुर्वेद शास्त्र ने स्पेसिफाई किया है, इसमें चिकित्सा के लिए भी कहा है कि चिकित्सक को बहुत अलर्ट होना चाहिए, और जो चिकित्सा को महारोग में वर्णन किया है तो जनरली हम लोग जो सूतिका के ज्वर में गर्भिणी के ज्वर में हम लोग को बहुत एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सारी औषधियां जो जनरल हम लोग यूज कर पाते हैं वो गर्भिणी में और सूतिका में थोड़ा सा हमें थोड़ा सी सोच समझ के ही मेडिसिन देनी होती है। तो सिंपल ज्वर में इस समय आप पेशेंट को अभी भी यही है कि अगर जो है थोड़ा सा उसको ज्यादा लग रहा है या उस तरह से लग रहा है तो दो ही बातें हमको अभी भी अच्छी लगती है, उस दिन हम देख रहे थे कि हमें पेशेंट को लंघन तो पेशेंट कम कर पाते हैं कि आप सुबह से शाम तक मत खाइए, लेकिन हम लोग उष्ण जल बताते हैं और लाइट डाइट बताते हैं, क्योंकि तो खाने में कम से कम यही कहते हैं कि जब अच्छे से मन लग रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं अब भूख लग रही है खा नहीं रह पा रहे तब खाइए, और अगर नहीं नहीं मन कर रहा है तो आप एक टाइम में खाना स्किप कर लीजिए, वरना आप थोड़ा सा मूंग की दाल का पानी पी लीजिए, तो इस तरह से हींग डालना है, उसमें थोड़ा सा जीरा डालना है, थोड़ा सा दीपन पाचन हम लोग, और उसमें हल्का सा जो है पहले एकदम सही बात ये थी कि पहले यहाँ पर अगर बुखार है तो घी नहीं खाना है, लेकिन हमें याद है कि जो पुराने लोग रहे हैं जो हमारी पहली पीढ़ी रही है दादी बाबा वाली, वो लोग अभी भी इस बात को हमेशा ध्यान देते थे। दो बातें मुझे याद आती है जो आयुर्वेद शास्त्र से बहुत मिलती है कि अगर बुखार आ रहा है तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, और बुखार आ रहा है तो आप कम्बल ओढ़ के या कपड़ा ओढ़ के सो जाओ, पसीना आएगा तो बुखार कम हो जाएगा, लेकिन अभी बीच की जो जनरेशन गैप थी उसमें लोग कहते हैं एक तो वैसे ही गर्म लग रहा है और आप पानी गर्म पिला रहे हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती थी वो कभी भी जो है मतलब शीत शीत जब की तरफ जाते शीत आहार विहारों की तरफ ज्यादा जाते थे, लेकिन शास्त्र भी लिखते हैं कि जब उष्ण है फीवर है तो वहां पे जो चिकित्सा है वो शीत गुण प्रदान नहीं करना है, वहां हमें उष्ण गुण प्रदान करना है, तो चादर वगैरह भी जो ओढ़ के सोने की बात है वो इसीलिए लगती है कि स्वेदन बढ़ेगा, और स्वेदन बढ़ेगा तो ज्वर जो है वो थोड़ा सा कम होगा, और पसीना आने से वैसे भी फीवर कम हो जाता है, तो जनरली जो शीत की चिकित्सा बताई गई है वो विरुद्ध चिकित्सा बताई गई है, क्या वो कहना चाहिए कि मिथ्या चिकित्सा, शास्त्रों में बताइए कि जैसे कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि ठंडा पानी पिलाने से कम हो जाएगा, या कोल्ड फर्मेंटेशन लोग बहुत जल्दी करते हैं कि नहीं बहुत तेज फीवर आ रहा है कोल्ड फर्मेंटेशन करो, लेकिन हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद शास्त्र इस बात को गलत मानता है, और वो कहता है कि अगर फीवर आ रहा है तो हमें स्रोतों की शुद्धि अगर करनी है तो हमें शीत गुण जो आहार विहारों का उपयोग नहीं करना है, उससे क्या होगा स्रोतों का अवरोध जाएगा, और स्रोतों का अवरोध जाएगा तो उष्मा अंदर आ जाएगी, थोड़ी देर के लिए भी रिलैक्स होगा लेकिन उससे फिर आगे के लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने गिलोय का बेस्ट ड्रग मानी है यहाँ पर, गिलोय का काढ़ा, और जो हम कभी करते हुए आए COVID-19 में गिलोय को और राजा माना गया औषध द्रव्यों में, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, और अगर उसी तरह से हम लोग यूज करें या उस तरह उसमें और अभी डीप जाए, आपने बहुत अच्छे से जो है काय चिकित्सा वाले में भी पढ़ाया है सर, बहुत मन लगा के आपने पढ़ाया है, उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत बहुत मैंने नोट भी किए अच्छे लगे हैं, और माधव निदान भी बहुत अच्छा जो का अध्याय शुरू किया है आज आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है आपको मुझे सुनना हूँ जी सर जी। मैं थोड़ा मधुकोश का टीका पढ़ देता हूँ ज्वर के बारे में, कितना बढ़िया बताया कि मधुकोश टीका में
और ये किसने लिखा है आप लोगों को पता है कि आचार्य विजय रक्षित जी ने लिखा है, और बाद में कुछ अध्याय जो ये आचार्य वोपदेव जी थे उनके शिष्य थे उन्होंने भी लिखा है। तो अभी हम विजय रक्षित जी ने जो ज्वर पे लिखा है, और सारे चिकित्सक थे, ऋषि मुनि थे, तिन्होंने लिखा है कि अथ ज्वर सर्व रोग प्रधानत्व प्रथमम ज्वरो वाच्य, मतलब सभी रोगों का प्रधान्य रूप से जो प्रथम व्याधि होती है उसको ज्वर बोलते हैं, ऐसा वाच्य ऐसा समझना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए। प्राधान्यम च तस्य शरीर रोगेषु प्रथम उत्पन्नत्वात् बलवत्त्वात् देहेन्द्रिय मनस्तापिस्त्वात्, मतलब सभी रोगों में प्राधान्य रूप से सबसे पहले कौन सा व्याधि हुआ था, तो वह कौन सा था, तो वह ज्वर ही था। बलवत्त्वात् बल में भी सबसे बलवान कौन सा है, तो ज्वर व्याधि ही बलवान है। देहेन्द्रिय मनस्तापित्वात् देह इंद्र और मन को जो तापित करता है संतापित करता है उसमें भी यह ज्वर व्याधि ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जन्म निधनयो अवश्यम भावित्वात् जन्म के समय और निधन मृत्यु के समय भी यह अवश्य ही रहता है। स्थावर जंगम रूप सर्वभूत व्यापिनत्वाच् नव अमन्ने नवम न एवं मन्ने विकार, मतलब स्थावर जितने भी पेड़ पौधे सभी को भी ज्वर होता है, सभी योनियों को ज्वर होता है, और जंगम जो है जो पशु पक्षी हैं उन सब में भी व्याप्त रहता है, और न एवं मन्ने विकार इससे अन्य कोई भी विकार नहीं होता है। यदुक्तम चरके चरक बताते हैं कि देहेन्द्र मनस्तापी सर्व रोगाग्रजो बलि ज्वर प्रधान रोगाणाम उक्तो भगवता पुरा, देहेन्द्र मनस्तापी में सर्व रोग में अग्रज जो है और बलवान है वह ज्वर व्याधि ही है, और इसको प्रधान भी बोलते हैं, और रोगाणाम मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, रोगों में से सबसे मेन कौन सा है, तो ज्वर व्याधि है। तस्य प्राणी सपत्नस्य दुर्वस्य प्रलयोदये, मतलब ये प्राणी के उत्पन्न होते होते भी ज्वर होता है। कोई भी बच्चा अगर डिलीवरी के टाइम पे हो रहा है तो उसको भी हल्का सा बुखार आता है जो रिकॉग्नाइज नहीं होता, फिजियोलॉजिकल फीवर होता है वो हल्का सा होता है, और मृत्यु के टाइम पे भी ज्वर होता है, अकाल मृत्यु हो या नॉर्मल मृत्यु हो, लेकिन ज्वर आएगा भले 2 सेकंड के लिए है, लेकिन ज्वर जरूर आता है। इत्यादि यावत भगवान वक्तुम अरहसी, इस तरह से भगवान पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताया है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं तथा ज्वरणाविशिता भूतम न ही किंचिन्न तप्यते इत्यादि, ज्वर के अलावा कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि शरीर गर्म हो जाए। किंचिन न तप्यते भूतम नहीं किंचिन न तप्यते, मतलब ज्वर के कारण ही शरीर में गर्मी होती है। उक्तम च पालक क्याप्पे, मतलब पालक के तंत्र जो है पालकाप्य तंत्र उसमें ऐसे बता रहे हैं, पाकल सतु नाग नाना भी तापस्तु वाजी नाम, जो मतलब हाथियों में होता है उस ज्वर को पाकल कहते हैं। गवाम ईश्वर संज्ञस्य मानवानाम ज्वरो मतः, मतलब गाय को जो होता है उसको ईश्वर संज्ञा दिया है, और मनुष्य को जो है उसको ज्वर संज्ञा दिया है। आजीवाना प्रलाप्य करभे चलसो भवेत, और फिर बता रहे हैं कि बकरी और भेड़ में होने वाले ज्वर को प्रलाप कहते हैं, ऊंट में होने वाले को अलस कहते हैं, मतलब हर हर प्राणी पे इन्होंने रिसर्च किया है। हरिद्रो महिषाणाम च मृग रोगो मृगेशु च, मतलब भैंसों को जो होता है बफेलस को होता है उस ज्वर को हरिद्र बोलते हैं, और जो मृग प्राणी को होता है उसको मृग रोग बोलते हैं। पक्षी नाम अभिघातस्तु मत्स्येन्द्र इंद्र मदो मतः, मतलब पक्षियों को जो होता है उसको अभिघात कहते हैं, और मछलियों को जो होता है उनको इंद्रमत कहते हैं। पक्षपातः पतंगानाम, जो पतंग होते हैं ना आप लोगों के उधर देखा होगा कि ठंडी में बारिश में पतंग आ जाते हैं कीट पतंग, उनको जो होता है उसको पक्षपात बोला है। और इस तरह से ना, और व्याल आदि जंतुओं को जो होता है व्याडे अक्षिक संज्ञा का, उनको जो ज्वर होता है उसको अक्षिक कहते हैं, मतलब हर प्राणी मात्र को जितने भी हैं लिविंग ऑब्जेक्ट सभी को ज्वर होता है। तथा नेत्र जलस्य नीलिका भूमि रक्षो वृक्षस्य कोटर इत्यादि, अगर पानी में कुछ नीलिका काई आ जाती है उसको काई बोलते हैं नीलिका बोलते हैं, भूमि को भी ज्वर होता है उसको उषर कहते हैं, और पेड़ पौधे को भी होता है, तो पेड़ों को जो ज्वर होता है उसको कोटर कहते हैं। पेड़ भी कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि सड़ जाता है, उनको भी व्याधियां होती हैं, तो उसको ज्वर बोले। इन्होंने देखिए पूरा पूरी दुनिया को पूरे संसार को इन्होंने अभ्यास किए, इतना इनका मतलब ये था अप्रोच था कि ये सभी को रिसर्च करते थे। तस्य प्रागुत्पत्ति माह दक्षापमान इत्यादि,
इसकी उत्पत्ति ऐसे बता रहे हैं कि दक्षा अपमान, दक्ष के अपमान से रुद्र को क्रोध आया, उससे इसका उत्पत्ति हुआ। दक्षा अपमानेन दक्ष प्रयुक्त परिभवेन क्रुद्धस्य रुद्रस्य निश्वास संभव उत्तरीयस्य सह तथा। पहले ज्वर व्याधि नहीं था, लेकिन जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया तो शिव जी जो थे वह उनके क्रोध के से जो निश्वास निकला, क्रोध से जो सांस छोड़ा उन्होंने, और उससे ही यह उसी क्रोध से ज्वर रोग की उत्पत्ति हुई। यदाह चरक, चरक में भी यही बताया है, सारे ऋषि मुनि लोगों ने वह चीज को स्मरण किया। जैसे हम लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं मैच का, कि शारजा में मैच हो रहा है तो 2020 देखते हैं हम लोग, वैसे ही सारे आचार्यों ने अपने दिव्य दृष्टि से वो देखा कि वो इंसिडेंस क्या होता। सभी ने यही चीज बताया है कि सृष्टा ललाते चक्षुर्वे दग्ध्वा चान तान सुरान प्रभु बाणम क्रोधाग्नि संतप्त संजरित सत्र नाशनम। मतलब शिव जी जब क्रोधित हो गए तो उनका जो तीसरा नेत्र था, ललाट में तीसरा नेत्र था, वह खुल गया और वहां से क्रोध की अग्नि हुई और क्रोध की अग्नि से ज्वर रोग की उत्पत्ति हुई। अत्र सत्र नाशनम यज्ञ नाशनम, और मतलब यज्ञ को नष्ट करने के लिए उन्होंने वीरभद्र नाम का जो अपना शिवगण था उसको उत्पन्न की, और फिर उसी के साथ में वीरभद्र भी उत्पन्न हुआ और वही क्रोध की अग्नि से ज्वर रोग भी उत्पन्न हुआ। उसके बाद में बोल रहे हैं कि ऐसा ज्वरोत्पत्ति कथा चरक चिकित्सते सब विशेषा श्रोतव्या इतेन रुद्र कोपस्य विपकृष कारण उक्तम। यह जो ज्वर उत्पत्ति की कथा है वह चरक संहिता में भी बताया है, चिकित्सा स्थान में विशेष रूप से बताया है, और रुद्र क्रोप होना यह विप्रकृष्ट कारण है, इससे ही उत्पन्न हुआ था। यदि ही ततो ज्वरो न उत्पत्सत अधुना अप्य चारुनत उपसनति भट्टार हरिचंद्र। मतलब भट्टार हरिचंद्र जी ने जो टीकाकार हैं चरक संहिता के, उन्होंने भी देखा ये दिव्य दृष्टि से, तो उनको भी यही चीज दिखा कि शिव जी ही क्रोधित हुए तो तभी इस मृत्यु लोक में सबसे पहले ज्वर व्याधि उत्पन्न हुआ। एतद अभिधानस्य चिकित्सानुप योगित्वेनान्य टीकाकरणो कृता व्याचक्षते कोपतत भद्वेन तेजसत्वं प्रकाशते। और भी लोगों ने जो टीकाएं लिखी हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि क्रोध होता है, कोप होता है, उससे शरीर में तेज महाभूत जो होता है वह बहुत ज्यादा प्रकुपित होता है। क्रोधो ही अग्नेय, क्रोध जो है वो आग्नेय बताया है। यदा चरक क्रोधोत्पत्तम क्रोधोत् उत्पत्तितम इति, मतलब जो क्रोध है उसी से पित्त प्रकुपित होता है, क्रोधात पित्तम जो बोल रहे हैं, क्रोधात पित्तम इति, तो क्रोध से पित्त प्रकुपित होता है और पित्त ही शरीर में जाके ये ज्वर व्याधि करता है। वो मानसिक कारण से बता रहे हैं उससे ज्वर होता है, लेकिन मिथ्याहार विहार करना यह दोषों को प्रकुपित करके फिर ज्वर होता है नॉर्मली। तेन सर ज्वरे पित्त विरोधिनी क्रिया कार्यति सिद्ध्यति, इसलिए सभी ज्वर में पित्त का विरोधी ऐसे क्रिया करने के लिए बताया है। यदुक्तम वाग्भटे नैव उष्मा पित्ताद्रते नास्ति ज्वरो नात्युष्मणा विना, मतलब पित्त के बिना उष्मा नहीं है और ज्वर है वो उष्मा के बिना नहीं है। तस्मत पित्त विरुद्धानि तेजत पित्ताधिके अधिकम, इसलिए पित्त के विरुद्ध ही चिकित्सा करना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं किया और पित्त को सपोर्ट करने वाले आहार विहार किया तो वह ज्वर और बढ़ जाएगा। इति अतएव चरके कटवम्ल लवणान पाचनान परित्यज्य तरुण ज्वरे पाचकत्वेन तिक्तको रसः पित्तघ्नो निर्दिष्टः। मतलब इसलिए चरक संहिता में बताया कि कटु अम्ल लवण ये सारे चीजों को त्याग देना चाहिए तरुण ज्वर में, और ज्वर को पचाने के लिए तिक्त रस पित्तघ्न द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। यदा लंगनम स्वेदनम कालो इवागुस तिक्तको रसः पाचन्यान विपक्वानां दोषाणां तरुण ज्वरे, इसलिए लंगन स्वेदन काल कुछ काल जाने देना चाहिए, यवागो तिक्त रस ये जो चिकित्सा का क्रम बताया है, पाचन्यानाम अविपानाम अविपक्व जो दोष है उनको पचाने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स का प्रयोग करना चाहिए, दोषों को पचाने के लिए तरुण ज्वर में लंघन स्वेदन काल यवागो तिक्त रस का प्रयोग करना चाहिए। काल अत्रो अष्टाह इति, मतलब अष्ट प्रकार के जो ज्वर है उसमें कुछ टाइम भी देना चाहिए, इसका भी महत्व है। अन्य त्वाहु रुद्र कोप संभवत्व देवता आत्मकरत्वात् पूजा रहत्व प्रदर्शितम, और कुछ लोग बोलते हैं कि देवताओं की पूजा भी करना इसमें बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, क्योंकि रुद्र के क्रोध होने से यह उत्पन्न हुआ है, इसलिए अगर देवता से उत्पन्न होता है इसलिए
इसको देव वैपाश्रय के रूप से भी चिकित्सा, इसलिए चरक संहिता में विष्णु सहस्र नाम का बहुत ज्यादा महत्व है कि हम देवताओं की पूजा करें उससे भी ज्वर निकल जाते हैं। फिर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि यदा विदेह ज्वरस्तु पूजनेर्वा सहस्रम उपशाम्यति, पूजा वगैरह किया तो ज्वर जो है तुरंत ही शांत हो जाता है। हरिवंशे अपि ज्वरस्त्री पादस्त्री दिशा षड्भुजो नवलोचना, हरिवंश नाम का जो ग्रंथ है उसमें ऐसा बता रहे हैं कि जो ज्वर होते हैं उसके तीन पांव होते हैं, तीन सिर होते हैं, छह भुजाएं होती हैं, नौ नेत्र होते हैं और भस्म का शस्त्र धारण किए रहता है, और यह रौद्र भयानक रुद्र से उत्पन्न हुआ काल अंतक और यम के समान, काल भी हमें नष्ट करता है, अंतक मतलब जब अंत आता है तब नष्ट हो जाते हैं, और यम भी हमारा प्राण का नाश, इस तरह से भयंकर रहता है। इस प्रकार ज्वर को मूर्तिमान भी देखा गया है जो लोग अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। ज्वर त्रिपाद स्त्री शिरा षडभुज और नवलोचना, मतलब ज्वर के तीन पाद तीन सिर छह हाथ और नौ जो है आंखें रहती है। भस्म प्रण रौद्र कालांतकोपमा, मतलब यह भस्म का एक हथियार, इसका हथियार जो है वो भस्म रूप में रहता है और यह काल की तरह नष्ट करता है, अंत की तरह और यम की तरह रहता है। इस तरह से मूर्तिमान लोगों ने देखा है, मतलब कुछ ऐसे स्टैचू के रूप में देखा है इनको, मूर्ति के रूप में। बहुविधम ज्वरम संक्षेम ज्वर अष्टे देति अष्टतम विवरण होती पृथक ज्ञाति तच्च संप्राप्त विवृतम, मतलब वात पित्त कफ, पित्त कफ वात कफ, पित्त वात पित्त इस और सन्निपात और आगंतु, इस प्रकार से ज्वर आठ टाइप का होता है और आगे और मतलब जो संप्राप्ति है हेतु है वह सबका वर्णन किया जाएगा। अभी आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर प्रभात पांडा जी, आपने ज्वर के पेशेंट देखे हैं तो आपको कैसा अनुभव है, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कृपया। डॉक्टर प्रभात पांडा जी, जी सर नमस्ते सर, आप प्रणाम बताइए आप। सर ज्वर तो ऐसे रेगुलर आते हैं सर, ये तो मेजोरिटी केसेस जो आते हैं ज्वर का आते हैं, मैं प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में काम करता हूं तो ज्यादातर जो इमीडिएटली जो प्रॉब्लम होता है पहले हमको ही लोग विजिट करते हैं, फिर बाद में बाहर जाना चाहते हैं। तो यहाँ दो साल पहले तो मलेरिया का फीवर ज्यादा था, तो मतलब वो उसका और इसी सेम पैटर्न का फीवर ज्यादा मिलते थे। अभी आजकल जो है वायरल फीवर का जो साइन सिम्टम आते हैं, मतलब बात कफ वाला ज्वर ज्यादा अभी देखते हैं, अभी इसी तरह देखना शुरू किए हैं सर। पहले मलेरिया वायरल टाइफाइड ऐसा देखते थे तो, और सर जब पेशेंट आते हैं तो टेम्परेचर हाई रहता है, तो जो इसमें बताया है कि देह इंद्रिय मनस्तापी, देह इंद्रिय और मन ये तीनों संतापित, ऐसा सिम्टम आप एनालिसिस करते हैं क्या कि मतलब इंद्रियों में भी उनको कुछ डिफेक्ट है और मन में भी हो रहा है? अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं सर, थोड़ा प्रैक्टिस इसी लाइन में अभी शुरू किए हैं। जी जी, ज्वर के लिए आयुर्वेदिकली नहीं सोच रहे थे पहले। जी जी सर, ठीक है, आप देखिएगा इंद्रियों में क्या उनको हो रहा है, मतलब फोबिया टाइप हो रहा है क्या, मतलब देखने का मन नहीं करता, सुनने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन होता है बहुत। हाँ सर, ये सब रहता है सर। जी, जितना साइन सिम्टम आपने अभी पढ़ा रहे हैं ये सब देखने को मिलता है। जी ठीक है, डॉक्टर विकास कुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, रवि कुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर प्रणाम। जी सर, जी सर, क्योंकि मैं स्कूटी चला रहा था इसलिए बोल नहीं पाया। जी सर, जी, ये बच्चों में जो हाई फीवर आता है तो देखते हैं कि फिट्स भी पड़ते हैं सर। जी, तो क्या इसको मन और इंद्रिय का संताप माना जाता है सर? हाँ, हाँ। जी, अभी तक सर हम लोग जो है मॉडर्न के हिसाब से डायग्नोसिस करते थे ज्वर की, सर URTI है, UTI है सर, LRTI है, मलेरिया है, टाइफाइड, इसका सर डायग्नोस करते थे, लेकिन सर अब हम लोग को थोड़ा समझ में आने लगा है कि आयुर्वेद के हिसाब से क्या निदान है सर। जी, और यूजी लेवल में तो हम लोगों ने सर जो बस निदान को पढ़ लिया, रट लिया और निदान दे दिया सर। जी, अभी लग रहा सर निदान है तो माधवा से रिस्पेक्ट क्यों है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी, हम लोग ना ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे तो फिर हमें और अच्छे से समझ आएगा, केवल रीडिंग नहीं करना है, हमें समझना है हर व्याधि को। तो डॉक्टर विकास कुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं कि बाद में बोलेंगे? मैं नहीं तो फिर पढ़ देता हूँ आगे श्लोक नंबर दूसरा। सर इस समय, हेलो सर। हाँ जी,
विकास जी प्रणाम सर। सर इस समय जो आते हैं ऋतु संधि का, जैसे ठंड शुरुआत है इस समय तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ। और जैसे आपने बताया इसमें आम पाचन वगैरह करते हैं, खटंग पानी वगैरह देते हैं, और ये प्राणिक शिक्राणिक घो या नवी उसमें मैं देखता हूँ तिक्त रस का, जैसे गिलोय का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जी। बाकी तो सिम्टम के हिसाब से दिया ही जाता है जो कुछ है जी। और लगभग कई बीमारियों में साइड जैसे क्या कहते हैं उसके उसके प्रभाव से भी ज्वर आ जाते हैं, तो वो भी कारण देखना पड़ता है, मेन तो होता ही है जी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर दूसरा देखते हैं। मिथ्याहार विहाराभ्याम दोषा हिमा आमाशयाश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निम ज्वरदः स्यूरसानुगः। इतना बढ़िया बताया है ना कि अभी तक जो हमने बात किया वह ज्वर का विप्रकृष्ट निदान, मतलब रुद्र का क्रोध होना, क्रोधित होना, और यह विप्रकृष्ट निदान है, और मतलब इससे प्रारंभ हुआ और सन्निकृष्ट कारण है कि मिथ्याहार विहार, यह मेन कारण बता दिया इन्होंने। इसके बाद में संप्राप्ति बताते हैं। मिथ्याहार विहाराभ्याम मतलब मिथ्या आहार विहार अगर किया, मतलब अहित कर आहार विहार करने से फिर क्या होता है, दोषा ह्या आमाशयाशयः मतलब आमाशय में जो अवस्थित वातादि दोष है वो कुपित होकर, बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निम ज्वरदास्यूरसान होगा मतलब कुपित होकर कोष्ठ की अग्नि को आमाशय में उत्क्षिप्त कर देते हैं, और मतलब कोष्ठ से निकाल देते हैं अग्नि को, अग्नि का विमार्गमन हो जाता है, और कोष्ठाग्नि जो है आमाशय से बाहर निकलकर रस धातु में मिश्रित हुए उसको दूषित करके ज्वर रोग को उत्पन्न कर देता है। इस तरह से यह संप्राप्ति बताया। इसी को और डिटेल में बता रहे हैं कि संप्राप्तिम आह मिथ्येत्यादि, मतलब संप्राप्ति इस तरह से बता रहे हैं, मिथ्या आदि शब्द से बता रहे हैं कि आहारस्य मिथ्यात्वम प्रकृत्यादिनाम आहार उपयोगो हेतुनाम विरुद्धत्व उपयोगः, मतलब ज्वर में क्या क्या होता है तो मिथ्याहार विहार होता है। तो चरक संहिता में जो आठ कारण बताए हैं आहार उपयोग करने के जो कारण है उसका विरुद्ध उपयोग मिथ्या योग कहलाता है आहार का। चरक संहिता में बताया है कि आठ अष्टो आहार विधि विशेष आयतन बताया है, मतलब हमें किस तरह से खाना खाना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपयोगता। अब प्रकृति का मतलब क्या होता है कि कुछ द्रव्य जो रहते हैं वह गुरु रहते हैं, कुछ द्रव्य पचने में लघु रहते हैं, यह उनकी प्रकृति होती है। जैसे कि उड़ीद है, माश है, वह स्वभावतः गुरु होता है। मूंग दाल जो है वह स्वभावतः लघु होता है, मूंग दाल आप जब भी खाएंगे तो हल्का रहता है, जल्दी पच जाता है, लेकिन उड़ीद वड़ा या उड़ीद का कुछ चीज खाएंगे तो वह पचने में बहुत हैवी रहता है, क्योंकि उड़ीद की प्रकृति जो है वह गुरु है और मूंग दाल की प्रकृति है वह हल्की है। उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो इस तरह से है कि अग्नि को, अग्नि के लिए जो हैवी वह गुरु, और अग्नि इजिली वो पचा दे वह हल्का होता है। इस तरह से जो ये प्रकृति रहता है, तो इसीलिए संपूर्ण द्रव्य जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वह गुरु लघु के उपयोग को जिस तरह से अगर प्राकृतिक रूप से करें तो यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अगर हमने अति प्रमाण में गुरु पदार्थ खाए तो शरीर को नुकसान देता है। तो प्रकृति पहला हो गया। दूसरा बता रहे हैं करण, करण मतलब संस्कार। जैसे व्रीही धान्य होते हैं वो भारी होते हैं, लेकिन उसी को हम भून ले थोड़ा तो वह लाजा जो रहती है वो हल्की हो जाती है। इसी तरह इस प्रक्रिया को संस्कार कहते हैं। अगर हम कच्चा चावल खा लेंगे तो हमें व्याधि हो जाएगा। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए थे यादव जी, तो वो पान का शॉप था उनका, तो 2004 की बात है। तो उन्होंने एक बार शर्त लगाया अपने फ्रेंड्स के साथ कि 1 किलो कच्चा चावल खाना है और 1 किलो कच्चा मांस खाना है, ऐसा शर्त लगाया था कुछ पैसों का। और उन्होंने कच्चा चावल खा लिया और कच्चा मांस भी खा लिया, और उसके बाद में उनका अग्निमंद हो गया और फिर लीवर भी डैमेज हो गया और लीवर सेरोसिस हो गया उनको, मतलब ज्वर ही शुरू हुआ सबसे पहले। तो उन्होंने संस्कार करके कच्चा चावल नहीं खाया अति उत्साह में, तो इससे ना उनको मिथ्याहार विहार किया उन्होंने, और फिर रात्रि जागरण भी हो रहा था, दिवा स्वाप भी हो रहा था, पच नहीं रहा तब भी खा ही रहे, मतलब उसके बाद भी खा ही रहे। और बीमार पड़े तो हॉस्पिटल वालों ने फीवर का दवाई दे दिया, आम संचित तो उधर ही रही, कच्चा चावल तो पचा ही नहीं, और वो जाके जलोदर में कन्वर्ट हो गया सारा बीमारी। ये जो अपने ग्रंथों में बताया वो 100% सही है कि कोई भी चीज को संस्कारित करके खाना ही मतलब प्रकृति रहती है, मतलब उसी से कोई रोग नहीं होते। उसी तरह से संयोग, जैसे ना अगर हम कोई भी चीज को साथ में लेके खाते हैं,
अगर वो प्राकृतिक रूप से खा रहे हैं तो हमें कोई व्याधि नहीं होगा। अगर विकृत रूप से खाएंगे, जैसे दूध और मछली खाएंगे, दूध चावल मछली खाएंगे, दूध नमक चावल खाएंगे, या दूध और नॉनवेज खाएंगे, या दूध और अल्कोहल लेंगे, ये सारा चीज बीमारी उत्पन्न करता है। तो ये संयोग जो है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। संयोग जो कोई भी चीज का है वो हमें अच्छा भी कर सकता है या बुरा भी कर सकता है खाने के मामले में। उसी तरह से राशि, राशि का मतलब है कि हम कितना मात्रा में कोई भी चीज ले रहे हैं। आहार को अंशांशतः या समुदाय से उचित मात्रा के ग्रहण करने को राशि कहते हैं। जैसे कि सर्वग्रह और परिग्रह बताए, जैसे कोई किसी व्यक्ति का आहार जो है वो एक प्रस्थ है, मतलब हर व्यक्ति है वह कुछ मात्रा में खा सकता है। जैसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो उनका आहार जो है उसका जो क्वांटिटी है वह ज्यादा होगा। जो लोग बैठे रहते हैं, कम काम करते हैं, लेटे रहते हैं, उनका जो क्वांटिटी है वो कम रहेगा। तो सर्वग्रह में और क्या आता है कि दाल भात साग हलवा अनियमित रूप से लेने को और सब बहुत ज्यादा ले लेने को सर्वग्रह कहते हैं, और इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और परिग्रह जो है कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेना, थोड़ा थोड़ा हर चीज लेना, वो परिग्रह रहता है। इसका भी बहुत महत्व रहता है। अगर ये उचित मात्रा में रहे तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर अनुचित मात्रा में ले लें तो फिर व्याधि हो जाता है। फिर बताए पांचवा फैक्टर देश, मतलब द्रव्य कहाँ उत्पन्न हुआ है और उसका प्रचार कहाँ पर हुआ है। जैसे गुड़ है, गेहूं है। अब जैसे पंजाब के लोग हैं वो रोटी वगैरह बहुत खाते हैं, गेहूं का रोटी। बंगाल के लोग हैं वो चावल खाते हैं। साउथ इंडिया में इडली डोसा ये सब बहुत ज्यादा खाते हैं। तो जो चीज जहां पर प्रचलित है और बिकता है और जहां पर जो लोग को साथ में है उस हिसाब से अगर खाया जाए तो व्याधि नहीं होगा। अगर इडली डोसा जम्मू कश्मीर के लोग डेली खाएंगे तो उनको व्याधि हो जाएगा ज्यादा खट्टा खाने की वजह से। फिर उसी तरह से अगर सरसों के तेल में महाराष्ट्र के लोग खाएंगे कुछ चीज जो यूपी बिहार में चलता है तो यहाँ पर रक्त पित्त जैसी व्याधि हो जाती है। इसलिए मिथ्याहार विहार देश के हिसाब से भी डिपेंडेंट करता है, डिपेंडेंसी है उसका। फिर उसके बाद में है काल, छठवा फैक्टर है काल। तो ये काल जो रहता है वो एक नित्यक रहता है, जैसे कला कास्ट मुहूर्त ये फिक्स रहता है। एक मुहूर्त मतलब 45 मिनट, एक अहोरात मतलब 24 आवर्स, एक मास मतलब 30 दिन, संवत्सर मतलब एक साल। तो ये नित्यक मतलब फिक्स रहता है। और दूसरा काल जो है अवस्था के हिसाब से रहता है, मतलब वो चेंज होता है, जैसे कि बाल्यावस्था यौवनावस्था वार्धक्यावस्था। तो कौन सी ऋतु में कौन अवस्था में क्या क्या द्रव्य लेना चाहिए यह सब काल के अंडर में आते हैं। तो इस ये फैक्टर भी बीमारी को उत्पन्न करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस तरह से भी आहार किया है कि नहीं उसको भी हम लोग देखते हैं। फिर सातवां है उपयोग संस्था। जब भी खाना खाया जाता है तो वो मतलब खाना पचने के बाद ही खाना खाना चाहिए, ठीक ठीक पचने, जीर्णान एवं भुंजित। अगर वो खाना पचा नहीं है और कैसे भी खा लिया जाता है, मतलब रात का खाना पचा नहीं, भूख नहीं लगी और अभी दबा के एकदम ठूस ठूस के खा लिया जाए तो ये अध्यसन हो जाता है और उससे कोष्ठ के अग्नि विकृत के रोग का कारण बनता है। तो यह उपयोग संस्था जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बैलेंस रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर वो जो लोग नहीं करते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। और आठवां फैक्टर है उपयोगिता, मतलब प्रकृति और पुरुष का संयुक्त स्वरूप जो पंच महाभूत शरीर है वही कर्म पुरुष होते हैं। तो आहार विधि का सेवन कौन करता है तो वो व्यक्ति पुरुष ही करता है। तो यह भी अच्छा रहना चाहिए। अगर वो अपने पे ध्यान देता है, खाना सही से खाता है तो वो निरोगी रहेगा, अगर वो नहीं खाता है तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो ये आठ फैक्टर है, प्रकृतिकरण, संयोग राशि, देश काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता। अभी आप लोग कुछ बताइए इस पर, किसी को कुछ कहना है तो कृपया बताइए। डॉक्टर माधुरी जाधव जी, डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, डॉक्टर हरुण जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चरक संहिता में एक और चीज बता रहे हैं कि तत्राभिघात जो वायु हो, मतलब जब भी अभिघात होता है तो वायु का प्रकोप होता है। प्रायो रक्तम प्रदूषयन, मतलब फिर वायु का प्रकोप हो गया अभिघात से, इंजुरी से, तो रक्त को वो दूषित कर देता है। सवथा शोथ व्यवर्ण्यम करोति सरुजम ज्वरम, फिर वो क्या करता है, व्यथा, बहुत ज्यादा पेन उत्पन्न करता है,
शोथ उत्पन्न करता है, वैवर्णता शरीर का कलर चेंज कर देता है, और सरुजम ज्वरम फिर पेनफुल फीवर आता है, ऐसा चरक संहिता में बताया है। और आप लोगों को कुछ बताना है तो बताइए कृपया। डॉक्टर रवि कुमार जी आप कुछ बोलेंगे क्या? आप लोगों ने मिथ्या आरवीआर से रिलेटेड कुछ हेतु देखे हैं जिससे फीवर आ रहा है, वह अपना कुछ बताइए। डॉक्टर अंजना मैम आप बता दीजिए, या डॉक्टर कंचन जी आप बता दीजिए, मिथ्या आहार विहार का ये एनालिसिस किया है आप लोगों ने? सर एक्चुअली जो उन्होंने बताया है आहार विहार ये बहुत बड़ा है, उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा सा एक वो है, हम लोग उसको बहुत इजी वे में ले लेते हैं, लेकिन जो मिथ्या आहार विहार उन्होंने बताया है उसका साफ साफ मतलब वही होता है कि वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और नेचर टू नेचर, जैसे प्रकृति के हिसाब से अगर देखेंगे, अग्निवर्ण के हिसाब से देखेंगे, काल के हिसाब से देखेंगे, और उसकी अपनी जो है कहना चाहिए कि जो खाना और खाने के साथ जो हम खा रहे हैं उसकी प्रकृति और मानव की प्रकृति जो हम ले रहे हैं दोनों लोग में कितना जो है आपस में जामानी, हम प्रकृति के हैं और हम जो है जनरली, और उसके बाद हमने और ज्यादा से उष्ण तीक्ष्ण ले लिया है तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं जाके हमें अम्लपित्त ज्वर और इस तरह की व्याधियों को आखिर में परेशान करेगा, क्योंकि जैसे हमने अभी देखा था अप्लाइड एस्पेक्ट में कि कोविड में जो लोगों ने बहुत ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण लिया, जैसे किसी ने कहा कि नहीं काली मिर्च का पाउडर लेते रहते हैं, नहीं हम इसके अलावा जो है शुंठी पाउडर लेते रहते हैं, या हमने बहुत ज्यादा पात पी लिया है, तो इस तरह का जो आहार विहार का हमने जो सेवन किया या कहीं ना कहीं जहाँ जितनी जरूरत नहीं थी या कहीं जो बॉडी की इंटरनल म्यूकोसा है उसको कहीं ना कहीं वो हार्मफुल रहा, और जो अब एक अगर सर्वे किया जाए स्टडी किया जाए तो इस तरह के केसेस हुई भी है, क्योंकि लोगों को मौका भी मिला है, एलोपैथी वाले लोगों को भी मौका मिला है और भी लोगों को मौका मिला है कि आयुर्वेदिक काढ़ा पी पी के लोग बीमार पड़ गए, तो ये सब चीजें अगर हम प्रज्ञापराध से कहें, चाहे मिथ्या आहार से कहें, मिथ्या विहार से कहें, या फिर मानसिक एक कहते संतावनी आहार से मुझे कोविड ना हो जाए और लोगों ने इस तरह से उसको किया तो सर ये बहुत जर का भी जर या अग्निवान किया जिसे पित्त को पूजित करने के लिए बहुत बड़ा कॉज था, तो ऐसे ही हम लोग जनरली भूख नहीं लग रही है लेकिन जो एक टाइमिंग्स होती है मैथ्स में हम पढ़ते थे हॉस्टल में जाते थे मैथ्स में पढ़ते थे तो एक टाइम फिक्स होता था कि अगर आप शाम को मानी गई 6 बजे को शाम ने कमरे में खा लिया है तो अगर आप 8 बजे डिनर नहीं ले पा रहे हो तो फिर आपको 9 बजे के बाद डिनर नहीं मिलेगा, तो इस डर से भी हम लोग को खाना खाना ही पड़ता था कि अरे यार फिर रात में खाना नहीं मिलेगा बंद कर देगा मैच वाला, तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती भी है कि कभी कभी ना चाहते हुए भी परिस्थितियों के वश भी हम लोग अग्नि वाली प्रदीप्त नहीं हुई है और अभी हमें भोजन लेना पड़ रहा है, या फिर हम वो खाना लेके रख लेते थे ठंड में रात में ठंडा खाना खाते थे तो वो भी एक तरह से विषम आहार विहार हो जाता था, तो ये सारे कॉज रहे हैं और ये कॉज मुझे लगता है कि दो तरह से है कि एक तो सब्जियां फलदायी होते हैं और एक होता है कि वो कालांतर में फलदायी होते हैं, कुछ चीजें ऐसी हमें लगती है कि नहीं अभी अभी हमें डाले हमें कुछ नहीं हुआ, हमने तो कल आइसक्रीम खाई और हम एकदम ठीक है, देखो लोग कहते हैं आइसक्रीम खा के हमारे दोष कुपित हो जाएंगे या हमें जो है कफ कुपित हो गया फीवर होगा या इस तरह से हमारी अग्नि मंद हो जाएगी, लेकिन उस समय नहीं पता चलता है और फिर जब 2-3 हेतु के साथ में वो पेशेंट जब आता है तो ज्यादा उसके लक्षण भी ज्यादा गंभीर होते हैं और उसके पश्चात उसका जो कहते हैं ना साध्या था हम लोग को विचार करना पड़ता है क्योंकि वो लगातार फिर उन हेतुओं का सेवन करता चला जाता है, तो यहाँ हमें छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के लिए शास्त्र तो बताते हैं या कहना चाहिए कि वो हमें अलार्मिंग देते हैं कि नहीं अगर आपने इस तरह का मिथ्या आहार या विहार किया तो कालांतर अभी तो अभी कालांतर में भी इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, तो दूरदृष्टि को हमेशा जो है पुराने हेतु को लेके और हिस्ट्री देखता जो हमारे थोड़ा वो होता है कि आपने कैसे रहते थे कैसे खाते थे क्या पसंद करते थे, यही कारण होता है कि हम उसके लाइफ स्टाइल को उसके पुराने जो उसकी नेचर है या पुरानी हैबिट्स है जिसे हम लोग अच्छी हैबिट्स जो भी कहते हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं और उसके बारे उसके बाद हम उसको संप्राप्ति में चिकित्सा की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। जी सर अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया है।
तो ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं अष्टांग हृदय के क्लास में। सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते। जी सर, जी सर, जी सर, नमस्ते।